एंथोनी मारास के डायरेक्शन में बनी इंडियन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मूवी का नाम है होटल मुंबई। होटल मुंबई के इंडिया के पहले दो दिन के कलेक्शन के अपडेट्स आ चुके हैं, जो डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो फिल्म होटल मुंबई, जो कि एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन एक्शन थ्रिलर मूवी है, और फिल्म के डायरेक्टर हैं एंथोनी मारास। एंथोनी मारास ऑस्ट्रेलियन मूवी के डायरेक्टर हैं। बात करते हैं कास्ट की, तो फिल्म के अंदर देव पटेल, आर्मी हैमर, अनुपम खेर, जेसन इसाक्स, उसके अलावा इसमें नजर आए थे नताशा बोर्डिसो और नासनीन बुनियादी, सुहेल नयर और नकेश भोसले, ये सब फिल्म का हिस्सा है। देव पटेल वही है जो साल 2008 में, लगभग आज से 10 से 12 साल पहले, एक मूवी में नजर आए थे जिसका नाम था स्लम डॉग मिलियनेयर। उसमें जो 1 करोड़ रुपए जीते थे, वही है देव पटेल जो उस मूवी के अंदर चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में नजर आए थे। अब साथ ही बात करें, जो फिल्म है इसको रेटिंग तो काफ़ी अच्छी दी गई इंडिया में। किसी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, तो किसी ने 4 स्टार की रेटिंग दी। लेकिन फिल्म इंडिया में लाइफ टाइम कलेक्शन किस तरह का कर पाती है, ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। अब साथ ही आपको बता दें कि फिल्म की स्टोरी जो है वो इंस्पायर्ड है साल 2009 में आई एक डॉक्यूमेंट्री से, और डॉक्यूमेंट्री का नाम था सर्वाइविंग मुंबई। इन शॉर्ट बोले तो फिल्म की स्टोरी इंस्पायर्ड है साल 2008 में हुए इंडिया के मुंबई के ताज होटल में एक टेररिस्ट जो अटैक हुआ था, उसी से इंस्पायर्ड होकर फिल्म की स्टोरी बनाई गई है। चलिए बात करते हैं फिल्म के इंडिया के जो पहले 2 दिन के कलेक्शन आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म ने डे 1 फ्राइडे को इंडिया में जो ओपनिंग कलेक्शन की थी वो थी 1 करोड़ 8 लाख रुपए की, 1 करोड़ 8 लाख रुपीज की, और डे 2 सैटरडे को जो कलेक्शन किया है वो है 1 करोड़ 70 लाख रुपए का, 1 करोड़ 70 लाख का। इसी के साथ फिल्म का इंडिया का पहले 2 दिन का टोटल जो नेट कलेक्शन हो जाता है वो है 2 करोड़ 78 लाख रुपीज का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।